नॉट आउट। हारने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं हारा हूँ, ये इन लोगों का दुर्भाग्य कह लीजिए कि मेरे पास बॉल नहीं आया। अगर मैं स्ट्राइक पे होता तो यश विल बी विनर एंड अगली बार विलन लोग हारने के लिए रेडी रहे। धन्यवाद। रितेश जी, आप बिना ग्लव्स पहने आ गए थे मैदान में, क्यों? क्योंकि ग्लव्स की जरूरत नहीं थी। बधाई हो एंटी हीरोज टीम को। चलते रहे, चलते आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इस साल फिर से इतिहास दोहरा दिया हम लोगों ने। आप लाइन लीजिए, मैं हूँ। मैंने क्या बोला था? हाँ, लाइन में हम लोग जीतेंगे और इस बार जीते। काफी अच्छा दृश्य, एंटी हीरोज और हीरोज की टीम आपस में गले मिलते हुए। राम राम, भैया संजय भैया आवा यहाँ, इधर आइए संजय जी। अरे संजय भैया यहाँ आवा मरवा, संजय जी को बुलाइए। आज हम संजय भैया मुंबई के मलाड टेनिस ग्राउंड में हैं और यहाँ पर और एंटी हीरोज के बीच खड़े का मुकाबला था जिसमें एंटी हीरोज जीत हासिल के जानते हैं। हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव रघुआ जी से क्या कहना चाहिए? क्या थी हार की मुख्य वजह? देखिए, ये लोग पहले भी एक बार जीत चुके हैं, पिछले साल हुआ था, पिछले साल भी जीते थे, आज फिर ये लोग जीते हैं और बहुत अच्छा खेले हैं ये लोग, उनको हमारी शुभकामनाएं। सुशील जी, और हम चाहेंगे ये ऐसे ही मुबारक हो, ये लोग ऐसे ही मजबूती से खेले, क्योंकि जब हम लोग आपस में मजबूती से खेलते हैं तो फिर बाहर जाके जो बाहर की टीम से हम खेलना होता है तो हम अच्छा कर पाते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया को, कैप्टन साहब। सुशील जी कहाँ गए? अरे मुकामा कहाँ? सुशील भैया, अरे मुकामा आइए 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 प्लीज। प्लेन हमेशा बोलते सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, लेकिन लास्ट में छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ उल्टा ना। हमारे कैप्टन टीम के सुशील जी, देखिए यही एक ऐसा फील्ड है जैसे आप हर जगह आपको हीरो बनाया जा सकता है, पर फील्ड ये जो क्रिकेट होता है यहाँ आप जितना अच्छा करेंगे तो ही आप हीरो हो सकते हैं। तो सच तो यही कि आज के हीरो यही लोग हैं। क्या बात है, क्या बात है। जो आदमी अच्छा यहाँ खेलता है वही हीरो होता है, और आप अच्छा किए हैं तो आज आप हीरो हैं, इसमें कोई दो राय। थैंक यू सो मच दिनेश जी, लेकिन एक हीरो ही ऐसे शब्द कह सकता है, उसके लिए थैंक यू। बस ये कहना चाहूँगा कि जीवन में पहली बार क्रिकेट से इतना इंटरेस्टेड हुआ हूँ, अच्छा ही नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या कितना खून उबलने लगा है। और लोगों को इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये वही आदमी है जो क्रिकेट का नाम सुनकर चिढ़ते थे, और जब हम लोग खेलने जाते थे तो ये फिल्म पे जब भी हमारे साथ शूट होते क्या आप लोग बिना मतलब का फालतू काम करते हैं, पर ये अच्छा लग रहा है, ये इतना दिल से जुड़ गए और अब हमेशा जुड़े रहेंगे क्रिकेट टीम। एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा, ये जो हम जिनके विरोध में खेल रहे थे विरोधी टीम बन के, आपकी वजह से ही हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पता है आपको। दिनेश लाल यादव जी, दिनेश लाल यादव जी तो ऐसे नाम है जिनकी वजह से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आज कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा, क्रिकेट जीता। हाँ, एक इंडस्ट्री में आपस में हम लोग कितना भी खेले, तो आप लोगों की महानता है कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, और सच ये है कि आप लोग अच्छा खेले हैं, इसलिए आप जीते हैं और जीत आप लोगों को। चलिए सर, चलिए, हर हर महादेव। अरे मैं क्या कहूँगा, जीत से ज्यादा मीठा, जीत से ज्यादा बर्बादी कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अच्छा ये लगा कि हम सब पूरी इंडस्ट्री यहाँ आए खेले, और हम चाहेंगे कि ये परंपरा आगे भी चलती रहे, चलती रहेगी, चलती रहेगी, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी हम लोग जाएंगे। और हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं, आज पहला था, दूसरा मैच था, पर इस साल हम लोगों की प्लानिंग ये भी है कि एंटी हीरोज और हीरो जो है
वो हमारे यूपी के, बिहार के जो भी ग्राउंड है वहाँ भी खेलेंगे और बहुत जल्दी हम लोग फॉरेन में भी प्लान किए हैं, हमारे मैचेस वहाँ भी होंगे। थैंक यू चलो पापा।